चलिए गाइस, तो आज हम पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, हमारा सबसे पहला टेबल हमें मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ या फिर एक ब्लैंक शीट ले लेता हूँ। ये हमारा ब्लैंक शीट है। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट में हमारा टेबल है। टेबल में हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे जितना भी टेबल चाहिए, आपको जितना भी टेबल रो कॉलम में चाहिए आप यहाँ पर से ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर इतना रो और इतना कॉलम आप देख सकते हैं का टेबल ले लिया। यहाँ पे हमारा वो टेबल ड्रा हो चुका है। आप चाहें तो इसमें जो चाहे वैसा आप लिख सकते हैं। क्लियर गाइस? ठीक है, वैसे आप नीचे भी लिख सकते हैं। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन दबा के आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आसानी से जा सकते हैं। क्लियर? चलिए, बाकी ये जो है हमारा कलर चेंज करने का होता है टेबल में। आप देखिए कैसे हम टेबल में कलर को चेंज कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। आपको जो कलर इसमें अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर से हम और भी देख सकते हैं। नीचे जाएं हम, मान लीजिए हमने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप, इसका ये हेडर रो है। मैं इसको अगर मैं अनटिक करता हूं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर गाइस? इसका हेडर रो हट जाता है। अगर मैं इसका बॉन्डेड रो को हटाता हूं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। वापस से टिक करें तो क्लियर। फर्स्ट कॉलम में अगर मैं क्लिक करूं तो हमारा फर्स्ट कॉलम में सिलेक्टेड आपको कुछ अलग से यहां पे डार्क दिखाई देगा। मैं अगर क्लिक करूं तो आप देखिएगा लास्ट कॉलम में अगर मैं क्लिक करूं तो हमारा यहां भी कॉलम कलरफुल हो जाता है और फिर इसको क्लिक करें तो हट जाता है। बॉन्डेड कॉलम पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये आपका क्लियर हो गया होगा गाइस। इससे तो हम ये इफेक्ट डाल सकते हैं और यहां पर से हम टेबल का कलर चॉइस कर सकते हैं। क्लियर गाइस? चलिए हम इंसर्ट मेनू में हैं। इसके बाद हम जाते हैं टेबल में ही। टेबल में हमारा इंसर्ट टेबल ऑप्शन आता है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहां पे हमसे पूछता है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो कितना रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूं, मैंने 7 कॉलम दे दिया है और रो मैंने दे दिया है 4। यहां पे मैंने क्लिक किया ओके। आप देखेंगे कि हमारा 7 और 4 में एक टेबल बन जाता है। क्लियर है गाइस? यहां पे आप लिख सकते हैं
आप इसे बड़ा करना चाहें तो इस प्रकार से बड़ा भी कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये तो आपका ये टेबल वाला यहां से क्लियर हुआ। चलिए मैं एक नया शीट ले लेता हूं। फिर हम जाते हैं इंसर्ट टैब में। अगला है हमारा ड्रॉ टेबल। यहां पे हम क्लिक करेंगे और हम यहां पे टेबल ड्रॉ करते हैं। इसके बाद आपको और भी अगर टेबल बनाने हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पे ड्रॉ करते जाएंगे। क्लियर गाइस? हमने एस्केप बटन दबा के उसे हटा दिया। यहां पे हमारा टेबल ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद अगर मान लीजिए हमें कॉलम देना है तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहां पर ड्रॉ टेबल में क्लिक करके आप यहां पर से कॉलम दे सकते हैं। क्लियर गाइस? तो इस तरीके से आपको सफाई पूर्वक बनाना है जिससे ये एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए और दिखाई ना दे। क्लियर गाइस? तो इस प्रकार आप टेबल बना सकते हैं। और मान लीजिए आपको इस टेबल को डिलीट करना है तो आप इरेजर पे जाकर क्लिक करेंगे और यहां पर से आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं। आप इसे एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। और कंट्रोल बटन दबा के हमने डिलीट कर दिया। क्लियर गाइस? चलिए दोबारा से हम इंसर्ट में जाएंगे। देखिए हमारा इंसर्ट टेबल भी हो गया, ड्रॉ टेबल भी हो गया। इसके बाद हम जाते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट पर। यहां पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहां पे हमें एक एक्सेल का शीट जैसा दे देता है। आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। क्लियर? और आप इसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पावर पॉइंट में एक्सेल का शीट हम इस प्रकार से ला सकते हैं और आपको जो भी रिकॉर्ड इसके अंदर रखना है आप रख सकते हैं। क्लियर? चलिए हमें इसे हटाना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे इसके बाद गाइस हम एक नया शीट ले लेते हैं। यहां पे हम देखिए टेबल का तो हमारा उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।